नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह में आप सभी सुरीजनों का हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय मानचित्र पर एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़, जिसका जन्म 1 नवंबर 2000 को हुआ और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य निर्माण से लेकर अब तक प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अनेक आयोजन हुए हैं, किंतु जो प्रतिष्ठा राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह को मिली है वो किसी से छुपी नहीं है। आयोजन की प्रतिष्ठा इस बात से भी है कि इसके साथ गजानन माधव मुक्तिबोध जैसा नाम जुड़ा है। हालांकि मुक्तिबोध को अपने हिस्से का सारा सम्मान और कीर्ति मरणोपरांत ही नसीब हुए, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से ही औसत भारतीय की जिंदगी जीने का फैसला किया था। मुक्तिबोध हमेशा मानवता की मुक्ति का स्वप्न देखते थे, हमेशा मनुष्य और मनुष्य के बीच के भेद को मिटाने की सोचते थे। हम सभी का गजानन माधव मुक्तिबोध को शत शत नमन। इस दौरान एक नजर राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह की रंग यात्रा पर। राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह की शुरुआत सन 1997 में हुई। वैसे तो पहले भी मुक्तिबोध जी के नाम से नाट्य स्पर्धा का आयोजन किया जाता था, किंतु किन्हीं कारणों से ये आयोजन बंद कर दिया गया। इस दौरान भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा के साथियों ने इसके स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव करते हुए इसे करते रहने का बीड़ा उठाया और साल दर साल इसे आयोजित करने का फैसला किया। गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम पे करने के पीछे मकसद ये था कि मुक्तिबोध एक तो हमारे पूरे देश के नई कविता के सबसे बड़े कवि हैं, आलोचक हैं, और एक ऐसा नाम था कि जो बहुत नाटकों में हम जैसे कहते हैं कि नेपथ्य में चीजें खुलती हैं, तो उसी तरह अगर हम मुक्तिबोध की कविताओं का पाठ करते हैं तो कविता नए नए पाठ को खुलती है। तो लगा कि हमें कि हमारे सदी के सबसे बड़े कवि आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका छत्तीसगढ़ से नाता था, उनके नाम से ये समारोह शुरू करना चाहिए। तो इप्टा के साथियों ने इसकी शुरुआत की। सफर प्रारंभ हुआ और जाने कब कारवां बनता चला गया। हर साल न केवल आयोजन हुआ बल्कि दिन ब दिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। बहुत से नए नए टेक्नोलॉजी आने के बाद, सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो, डीवीडी, ये सब आने के बाद लोग कहते हैं कि नाटक को थोड़ा सा धक्का पहुंचा है। ये बात नहीं है, क्योंकि नाटक में एक चीज है, ऑडियंस और एक्टर के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। इसलिए ये वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो हमेशा रहेगा, इसीलिए हमेशा नाटक होते रहेंगे, आप लोग आते रहेंगे, नाटक लोग करते रहेंगे। मैंने ऐसा प्ले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बचपन से ही इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ, ऐसे शोज देखती रहती हूँ और इस उम्र में देखिए आज भी आई हूँ। हर साल में नए नए थिएटर आर्टिस्ट आते हैं, नए नए डायरेक्टर्स आते हैं और हमें बहुत कुछ देखने और सीखने मिलता है। और आज देश का हर रंगकर्मी उसके नाटक की प्रस्तुति इस समारोह में करना चाहता है। जो इप्टा के साथियों की प्रतिबद्धता, समर्पण भावना और आप सभी सुधीजनों के कारण संभव हो पाया है। रंगकर्मियों के उत्साह और दर्शकों की भावना का सम्मान करते हुए इप्टा ने हर साल जून माह में हबीब तनवीर स्मृति समारोह करने का फैसला किया और साल में एक नहीं बल्कि दो दो नाट्य समारोह के आयोजन का बीड़ा उठाया। 1997 से शुरू हुई इस लंबी रंग यात्रा में मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और पूरे देश की कला संस्कृति को एक सशक्त मंच प्रदान करते हुए संजोने का प्रयास किया एवं सैकड़ों नाटकों का मंचन किया। और आया
इन नाटकों के माध्यम से जहां एक ओर हबीब तनवीर, एम एस सत्यु, रंजीत कपूर, देवेंद्र राज अंकुर, रतन थियम, दिनेश ठाकुर, नादिरा बब्बर, बंसी कौल, उषा गांगुली, सलीम आरिफ, अलख नंदन, के एस राजेंद्रन, जावेद अख्तर, संजय उपाध्याय, अरविंद गौड़, त्रिपुरारी शर्मा, भानु भारती, बहारुल इस्लाम और दूसरे नामचीन निर्देशकों की प्रस्तुतियां शामिल रहीं। वहीं अंजन श्रीवास्तव, राकेश बेदी, सुलभा आर्य, सुधीर पांडे, जूही बब्बर, लुबना सलीम, हर्ष, किरण कर्माकर जैसे जाने पहचाने और चर्चित चेहरे भी दर्शकों के समक्ष अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरने को आतुर रहे। समारोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी रही कि इसने रंगमंच के उभरते युवाओं को भी एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। रायपुर के करण खान, काशी नायक, रायगढ़ के योगेंद्र चौबे, मुंबई के अजय कुमार, दिल्ली के रविंद्र गोयल जैसे अनेक नाम इसी श्रेणी में शामिल हैं। इप्टा रायपुर ने बहुत सारे नए युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने का मौका दिया। अंशु दास, चंदन सिंह, विशेष बघेल, नवीन त्रिवेदी, प्रिया शर्मा, राजा पांडे, समीर श्रीवास्तव जैसे कलाकारों ने न केवल अपने काम के जरिए अपनी रुचि का प्रदर्शन किया बल्कि ये भी साबित किया कि छत्तीसगढ़ में रंगमंच का भविष्य उज्जवल है। आज देश भर में राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह ने एक सफल और महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। ये बात देश के सभी हिस्सों से आए रंगकर्मी, नाट्य समीक्षकों और नाट्य प्रेमी दर्शकों द्वारा कही जा रही है। जैसे रायपुर में ही इप्टा का नाट्य समारोह, उसकी एक अपनी पहचान बन चुकी है। मतलब बड़े से बड़ा निर्देशक भी उसमें अपनी प्रस्तुति लेकर आने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो मतलब बार बार अपने स्तर पर संस्थाओं की जो कोशिशें हैं, ये बहुत मतलब हिम्मत बंधाती हैं कि काम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान इप्टा का है, जो 7-8 दिन तक देश के प्रसिद्ध नाट्यकर्मियों को आमंत्रित करता है और एक तरह का नया प्रीतिकर नाट्य अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात कहूँ कि वो एक दर्शक वर्ग बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारगर्भित नाटक था और इतना अच्छा नाटक देखने का ये जो अवसर यहाँ पर मिला है, ऐसा हर साल ये सुभाष मिश्रा जी की जो एक कोशिश है, प्रयास है, बहुत अच्छा है। और यहाँ के जो कला प्रेमी हैं उनको एक मंच मिलता है और बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। देखिए, लोग टीवी सीरियल्स इन सारी चीज़ों से या फिल्म की जिस लीक पे चल रहे हैं उब चुके, भाग रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, कल्टिवेट किए हैं यहाँ के। अब ये रंगकर्मियों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा नाटक करें और दिखाएं, कंटेम्प्रेरी चीज़ों को दिखाएं, पढ़ें लिखें, अच्छी स्क्रिप्ट लाएं, दर्शक आएगा क्योंकि यहाँ लाइव बन रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ ये बताना भी अनुचित न होगा कि इस समारोह के आयोजन में जिस शख्स ने रीढ़ का काम किया है वो है इस राष्ट्रीय नाट्य समारोह के संयोजक सुभाष मिश्र, जिन्होंने मिनहाज असद और अरुण काठोठे जैसे कर्मठ साथियों के साथ मिलकर इस समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा दूसरे साथियों, लोगों और दर्शकों की भूमिका भी अहम रही, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आयोजन को सफल बनाने में हर पल अपना योगदान दिया। आयोजन के संयोजक सुभाष मिश्र ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस समारोह को महज नाट्य प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि साहित्य विमर्श की भी शुरुआत की और उस अहम कड़ी को जोड़ा जिसे चर्चा कहा जाता है। साहित्य जगत में चर्चा की कितनी आवश्यकता है, ये आप सभी सुधीजन
बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, जो लोग रंग कर्मी हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो किस तरह से एक सिस्टम में बंद है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि नाटक में कोई कमियां होती हैं, कुछ नहीं होती है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट अभी होता है, अभी हो रहा है थिएटर में। इफ यू आस्क मी, नाटक की जो भाषा है, नाटक का जो मुहावरा है, थिएटर का जो पूरा एक जिसे कहना चाहिए संप्रेषण के जो मापदंड है या जो संप्रेषण की जरूरत है उसको समझते हुए अगर नाटककार नाटक लिखें और रंगकर्मियों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करें जिस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट पर डायरेक्टर और राइटर में होता है तो बेहतर नाटक आएंगे। मुक्तिबोध ने एक भी नाटक नहीं लिखा है लेकिन मुक्तिबोध की हर कविता बहुत नाटकीय है, हर कहानी बहुत नाटकीय है। तो उसमें जितने नाटक हैं मुक्तिबोध में वो मतलब किसी दूसरे साहित्यकार में मुझे नजर नहीं आते हैं। तो उस नाटक को हमको इस्तेमाल करना चाहिए रंगकर्मियों को, और चूंकि वो उनका यहाँ कर्म क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तो यहाँ से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं मुक्तिबोध को लेके। थिएटर अपने कई फॉर्म में जीवित है हिंदुस्तान में और कई कई तरह के प्रयोगों से गुजरता रहता है, और मुझे लगता है कि प्रयोगों को होने देना चाहिए, प्रयोगों का आना बहुत जरूरी है। साहित्य विमर्श न केवल विचारों को नई दिशा, नई सोच, नया दर्शन प्रदान करता है बल्कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के सामने एक लक्ष्य भी तय करता है। लक्ष्य एक बेहतर समाज बनाने का, एक बेहतर इंसान बनने का, और लक्ष्य एक बेहतर कल का। 25 साल से लगातार इप्टा ने अलग अलग इस शहर में जो भी बड़ा डायरेक्टर है उसने सब इप्टा के साथ काम किया है। इप्टा लगातार काम करती रही। बीच के कुछ सालों में ऐसा हुआ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और छत्तीसगढ़ फिल्मों का एक नया दौर चालू हुआ तो कुछ कलाकार इधर उधर हुए। तो हर संस्था में एक ऐसा अवसर आता है कि जब थोड़ा सा उसमें शिथिलता आती है तो इप्टा के बीच में ये आया कि हम लोग लगातार थिएटर नहीं कर पा रहे थे, और थिएटर नहीं करने के पीछे केवल कलाकार कारण नहीं थे, हमारे शहर में कोई अच्छा प्रेक्षागृह नहीं है, जो प्रेक्षागृह हैं उनके किराए इतने ज़्यादा हैं। तो एक प्रोडक्शन करने पे एमेच्योर थिएटर ग्रुप को 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और वो शो लगातार ना हो तो कलाकार बिखर जाते हैं, जबकि सिनेमा में उनको पैसा मिल रहा था, उनको बाकी जगह पैसा मिल रहा था। दूसरी तरफ से अगर एक दशक में आप देखें तो लोगों का कैरियर के प्रति भी रुझान बढ़ा है, छात्र छात्राओं का कैरियर के प्रति रुझान बढ़ा है। अब उनको लगता है कि सामाजिक जो जिम्मेदारियाँ वो अलग हैं, ये हमको अपने कैरियर को देखना चाहिए। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण थोड़ी सी शिथिलता आई, पर इप्टा ने इस बीच में बाल रंग शिविर किया, रंग शिविर किया, और पिछले एक साल में तो इप्टा ने अभी लगातार 3 नाटकों की प्रस्तुति की, 3 नए नाटक तैयार किए। नुक्कड़ नाटक इप्टा कर रही है, और इप्टा आने वाले समय में भी, इप्टा से बहुत सारे कलाकार जुड़ रहे हैं, जानते हैं लोग कि इप्टा के बैनर से जुड़ने का मतलब क्या है। उस हरावर दस्ता में आगे आगे प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के साथ आप मुक्तबोध के उस मशाल को दूसरे हर आने वाले नौजवान के हाथ सौंपते चले, वो मशाल जलती रहे न बुझे। समारोह की इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ी महिला रंगकर्मी सम्मान की, जब सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एलडी देवरस ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कुमुद देवरस की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए रंगकर्म के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली एक महिला रंगकर्मी को हर साल सम्मान देने का ऐलान किया, जिसे वर्ष 2010 से प्रारंभ किया गया और नाम दिया गया कुमुद देवरस सम्मान। रंगकर्म के क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए पहला महिला रंगकर्मी सम्मान देश की प्रतिष्ठित रंगकर्मी त्रिपुरारी शर्मा को दिया गया। एक बड़ी, बहुत बड़ी पहल हुई है, और स्त्री के योगदान को लेके या महिलाओं के योगदान को लेके जो ये पुरस्कार शुरू किया, मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है और एक नई सोच है। दूसरे साल ये सम्मान कोलकाता की रहने वाली उषा गांगुली को दिया गया। रंगमंच के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2012-13 के लिए इस सम्मान की हकदार रही चंडीगढ़ की डॉक्टर रानी बलबीर कौर। मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि मैंने मेरा नाम चुना, जबकि मैं पंजाब में हूँ,
ज़्यादा नेशनल लेवल पर भी काम किया है, लेकिन इतनी प्रबल नहीं रही। कौन से उसके कारण हैं? एक स्त्री होने के कारण समझ लीजिए कि हमारे समाज में जो कुछ भोगना पड़ता है वो स्त्री को, और इस तरह से फिर भी रंगमंच के साथ जुड़े रहना, बहुत सी तकलीफें, बहुत सी मुश्किलें, बहुत से हादसे होने के बावजूद रंगमंच के साथ जुड़े रहना, काम करते रहना। 45 वर्ष करीब मैं काम करते हुए मुझे हो गया है, डॉक्टर रानी बलवीर कौर का जन्म 3 सितंबर 1943 को लाहौर में हुआ। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया और 1952 में चंडीगढ़ जाकर बस गए। इस समय आपकी उम्र केवल 9 वर्ष थी। शासकीय कन्या महाविद्यालय चंडीगढ़ से 1963 में इन्होंने कला एवं संगीत में स्नातक की शिक्षा ली और 1965 में पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्रीय संगीत गायन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। में आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वैसे 1974 में रानी बलवीर कौर पंजाब विश्वविद्यालय से लेक्चरर के तौर पर जुड़ी और फिर उसी विभाग में रीडर, प्रोफेसर और चेयरपर्सन बनी। अपने रंगकर्म के जीवन में उन्हें हमेशा ऐसे की तलाश रही जो साधारण हो लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो, कुछ ऐसा जो हमेशा हमारे अंदर रहता हो और हमारी कला के द्वारा प्रकट होता हो। आपका ज्यादातर काम पंजाब के सूफी साहित्य और कलाकारों पर आधारित रहा है, पर आप हमेशा से परंपराओं की पुनर्व्याख्या और नए अर्थ खोजने की कोशिश करने में विश्वास रखती हैं। डॉक्टर रानी बलवीर कौर का मानना है कि वे पंजाब से हैं लेकिन हरियाणा से भी उतनी ही शिद्दत से जुड़ी महसूस करती हैं। वे कहती हैं कि सबसे पहले वे एक भारतीय हैं, इसलिए उनका काम कभी भी उन्हें किसी भाषा विशेष तक सीमित नहीं करता, बल्कि हर भाषा उन्हें अपनी ही लगती है। और आप हिंदी, पंजाबी, ब्रिज एवं हरियाणवी में भी बराबर काम करती रहती हैं। बिना किसी शासकीय मदद के इतना बड़ा समारोह आयोजित करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन समारोह के प्रति दर्शकों और रंगकर्मियों की दिन ब दिन बढ़ती उत्सुकता और लगाव निसंदेह हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और साल दर साल इसे और आकर्षक, जीवंत और सारगर्भी बनाने को प्रेरित करता है। हम विश्वास दिलाते हैं कि इसी ऊर्जा से इप्टा इस समारोह को आगे भी और बेहतर बनाए रखने का प्रयास करता रहेगा। हमारी कोशिश और सोच में कहीं ना कहीं मुक्तिबोध शामिल है। मुक्तिबोध ने कहा है, जो है उससे बेहतर चाहिए, सारी दुनिया को साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए।